एक काम करो, मैं भगवान को भोग चढ़ा देता हूँ, बच्चों को खाना खिला दो, बेचारे भूखे होंगे। हे मां दुर्गा, इन फैक्ट्री की चाबियों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना और इस चाबी के गुच्छे में एक और फैक्ट्री की चाबी जोड़ देना। भगवान को भोग लग गया है, अब तुम मुझसे अपना वरदान मांग सकती हो। काका, सब कुछ तो है इसके पास, और क्या मांगेगी ये? हाय, कहीं ये घर की चाबियां ना मांग ले। अगर इसने फैक्ट्री की चाबी मांग ली तो? ये हो क्या रहा है मुझे? बार बार मेरी नजरें आस्था पे जाके क्यों रुक जाती हैं? मांगो आस्था। भाभी, दिल खोल के मांगो, दशरथ का वादा है, आप जो मांगोगी मां आपको जरूर देगी। मांगो आस्था। मम्मी जी, वो मैं वरदान में आपसे ये मांगना चाहती हूँ। बच्चों, ये पापड़ कोई नहीं खाएगा। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर, यहाँ बाल भोग हो रहा है और आप बच्चों से कह रहे हैं कि वो पापड़ नहीं खाएंगे। लक्ष्मी जी, आप एक बहुत ही इज्जतदार बिजनेस वूमेन है, पर हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके इन पापड़ में हार्मफुल केमिकल्स हैं। इसलिए हमने आपकी सभी फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। अब देख कैसे तेरा घमंड चूर-चूर होता है। नहीं इंस्पेक्टर जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारे सारे पापड़ सेफ्टी चेक से गुजर के जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर, हमारे पापड़ एक्सपोर्ट तक होते हैं और जो पापड़ एक्सपोर्ट होते हैं उनकी जांच भी बारीकी से होती है। सर ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन आई है सर। ये हो सकता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो गलत हो, पर जब तक इन पापड़ को FSSAI से क्लीन चिट नहीं मिलती है तब तक आप पापड़ को अपनी फैक्ट्री में नहीं बना सकते हैं और ना ही आप किसी को बेच सकते हैं। हमें लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखना है। तो मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। इंस्पेक्टर, आज तक हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने हमारे पापड़ पर उंगली उठाई हो या हमारे पापड़ों को खाने से रोका। ये बच्चे आज पापड़ जरूर खाएंगे, वो इसलिए क्योंकि ये पापड़ बिना किसी मिलावट के हैं और ये अभी साबित हो जाएगा क्योंकि मैं ये पापड़ खाऊंगी। अगर इनकी बात 1% सही निकली तो आपकी जान को मां भी पापड़ नहीं खाएंगे। लक्ष्मी, शिव सही कह रहा है। अचानक कोई नया दुश्मन उभर आए, क्या भरोसा। तुम ये पापड़ नहीं खाओगी। अगर सच में इसमें कुछ हुआ तो तुम करो मां। वैसे तो हमारे कई सारे दुश्मन हैं, लेकिन आज तक किसी एक दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं हुई हमारी फैक्ट्री में घुसकर हमारे पापड़ में मिलावट कर सके। इंस्पेक्टर, फैक्ट्री में जितने भी पापड़ बनते हैं वो सिर्फ हमारा परिवार छूता है। इससे मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे पापड़ों में कोई मिलावट नहीं है और ये अभी साबित हो जाएगा। लक्ष्मी जी, दीदी देखा आपने, कुछ नहीं हुआ मुझे। इंस्पेक्टर, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है और अगली बार जब आप दुर्गा निवास आएंगे तो पूरी जांच पड़ताल करके आइए और जितनी जल्दी हो सके लक्ष्मी पापड़ फैक्ट्री के ऊपर से सारे सील हटा दीजिए। जय मां दुर्गे। एम्बुलेंस को बुलाइए। हे माँ, मुझसे ये कैसा अनर्थ हो गया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सर मेरी माँ कैसी है? मेरी माँ ठीक है ना सर? गोविंद जी, पापड़ के सैंपल की रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट के अनुसार पापड़ में बहुत ही ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स मिले हुए हैं। मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना होगा। मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूँ। हमें पहले से ही लग रहा था कि ये केमिकल बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, इसीलिए उनकी ऐसी हालत हुई है। हमने पूरे केमिकल को बाहर निकाल दिया है, लेकिन अभी भी उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। अगर वो 2 घंटों में होश में नहीं आई तो वो कोमा में जा सकती है, और उनकी जान को खतरा हो सकता है। माँ दुर्गा, ये क्या हो गया मुझसे? ऐसा मत कहिए, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो मैं ऐसा डॉक्टर से कहूँ ना, अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं। मम्मी जी को कुछ नहीं होगा, उनको होश आ जाएगा, वो ठीक हो जाएंगी। देखिए, हमें गोविंद अग्रवाल जी से मिलना है, बहुत जरूरी है। प्लीज आप गोविंद अग्रवाल जी को ही बुलाइए। हमारी भाभी जी की तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग बाद में बात करेंगे। ही बात करनी प्लीज। आप देखिए, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। हम गोविंद अग्रवाल जी से बात करें, आप कृपया उन्हें बुलाएं। मैं जाता हूँ। जी की तबीयत सीरियस है। हाँ जी बोलिए। मिस्टर गोविंद अग्रवाल, हमने सुना है आपके सारी फैक्ट्री सील कर दी गई है क्योंकि आपके पापड़ में हार्मफुल केमिकल्स पाए गए, और वही पापड़ आपकी वाइफ ने भी खाए थे, इस वजह से उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। क्या कहना है आपका इस बारे में? अगर ये पापड़ कोई और खाएगा तो उनका भी यही हाल होगा। मतलब वो 15 तरह के क्वालिटी टेस्ट सब दिखावा था। लक्ष्मी जी पैसों के लिए लोगों के लाइफ से खिलवाड़ कर रही है। गोविंद जी, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आपकी वाइफ नाटक कर रही है, जानबूझ के बीमारी का कोई बहाना निकाल रही है ताकि दुनिया को वो ये बता सके कि उन्हें पापड़ के मिलावट के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था। बताइए गोविंद जी, जवाब दीजिए। गोविंद जी जवाब दीजिए, आप चुप क्यों हैं? बिल्कुल चुप। क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? मेरी माँ अपनी जिंदगी से लड़ रही है और तुम उनके बारे में बकवास कर रहे हो। क्या जानते क्या हो तुम? मेरी माँ ने अपनी मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा किया है। लोगों के पैसे नहीं, उन्हें दुआ मिलती है। एक दिन के न्यूज के लिए तुम लोग मेरी माँ की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। अगर एक शब्द और कहना तो थक्के मार के यहाँ से बाहर निकलो। मिस्टर शिव, ये हमारा काम है। मिस्टर शिव बकवास कर रहा है। मिस्टर शिव प्लीज शांत हो जाइए, ये हॉस्पिटल है। तुम्हें मम्मी जी की फिक्र होनी चाहिए, इनकी नहीं। छोड़ो, चलो यार। उठिए ना, आपको कितना कुछ बताना है माँ। आप जानती हैं, अभी मैंने मीडिया वालों से झगड़ा किया और मैंने पापा से ऊंची आवाज में बात भी की। माँ उठिए ना, मुझे डांटिए ना प्लीज। आप सुन रहे हैं ना? माँ मुझे डांटिए ना। माँ सुन रही है ना मुझे? हाँ देखो ना, माँ सुन नहीं रही है। पहले जब भी मैं कुछ करता था मुझे डांटती थी माँ। अभी डांट क्यों नहीं रही? हाँ डांटी है ना माँ? मम्मी जी बहुत तकलीफ में है, वो हमें अभी नहीं सुन पाए। क्यों नहीं सुन सकती आस्था? कुछ क्यों नहीं कर सकता आस्था? बचपन से लेकर आज तक जब भी मुझे तकलीफ हुई मैं सब कुछ ठीक कर देती थी, लेकिन जब माँ तकलीफ है मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आज तक जब एक बच्चा बीमार होता है तो माँ के छूने से सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर एक बेटा अपनी माँ के लिए कुछ क्यों नहीं कर पा रहा? आज मैं क्या करूं? जो मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं? बचपन में जब तुम्हें तकलीफ होती थी, तुम्हें दर्द होता था, तो मम्मी जी तुम्हें लोरी गा के सुनाती थी ना, ताकि तुम्हारी सारी तकलीफें, सारा दर्द दूर हो जाए। तुम वही लोरी मम्मी जी को गा के सुनाओ ताकि उनको सुकून मिले। शिव, संभालो अपने आप को। कुछ नहीं होगा हमारी लक्ष्मी को, क्योंकि मैं इसे कुछ होने ही नहीं दूंगी। ये कैसे ठीक होगी? मैंने उसका हल ढूंढ निकाला है। गोविंद, हमें लक्ष्मी को इच्छा पूर्ति माँ काली के मंदिर लेके जाना होगा, जहाँ रोज करोड़ों श्रद्धालुओं का कष्ट निवारण होता है। माँ काली लक्ष्मी को अपने पास बुला रही है। एक बार माता रानी का आशीर्वाद से मिल जाएगा, हमारी लक्ष्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी गुरु दीदी, आप जैसा कह रही हैं वैसे ही करेंगे। बाबा, माँ ठीक हो जाएंगी। हाँ बेटा, ठीक हो जाएंगी। गुरु, अगर हम माँ को मंदिर ले जाएंगे माँ ठीक हो जाएंगी। अच्छा, तुमने सुना? तुमने सुना गुरु माँ क्या कह रही? माँ ठीक हो जाएगी। गुरु माँ ठीक कह रही है। हमें मम्मी जी को मंदिर ले जाना चाहिए। एक आस्था ऐसी भी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.